नमस्कार, प्राग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। रीवा जिले में मामा ने भांजी के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का मामला। रीवा जिले में मामा ने भांजी के साथ दुष्कर्म कर रिश्ते को शर्मसार कर दिया। सूत्रों का दावा है कि मामा 5 साल से ब्लैकमेल कर भांजी को हवस का शिकार बना रहा था। आरोप है कि जब भी मामा को भांजी की जिसमें जरूरत पड़ती तभी वीडियो वायरल करने की आड़ में रेप कर लेता, लेकिन मामा भांजी का रिश्ता होने के कारण परिवार के लोगों को कोई किसी भी प्रकार के शक नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ भांजी लोग लज्जा से डर से किसी के सामने मुंह नहीं खोली, यहां तक कि नाबालिग से बालिग बनने तक जुर्म सहती रही, फिर भी मामा का दुष्कर्म करना बंद नहीं हुआ। ऐसे में युवती ने एक दिन परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाने में प्रकरण दर्ज हुआ, जहां महिला पुलिस के समक्ष बयान होने के बाद मेडिकल चेकअप कराया गया। अतः आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पटेल ने बताया कि बीते दिनों पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराने आई थी। उसने बताया कि आरोपी मामा दुष्कृत का सिलसिला वर्ष 2017 से शुरू हुआ था। तब पहली बार आरोपी मामा ने किशोरी को घर में अकेले पाकर रेप किया। इसी बीच किशोरी के कुछ वीडियो बना लिया, जिसे वह कुछ दिन बाद वायरल करने की धमकी देते हुए लगातार दुष्कर्म करता रहा। रीवा से रोहित पाटिल की रिपोर्ट। सर, ये दुष्कर्म का मामला आया है, मामा ने बाली के साथ किया है, क्या है पूरा मामला? जी, अपने थाना में जो है एक मामला कायम हुआ है 3 दिन पहले, जिसमें जो है रिश्ते का जो लड़की है अपने थाना क्षेत्र में रहने वाली 21 वर्ष की, उसने FIR करवाया था कि उसका रिश्ते का मामा जो रायपुर करचुलियान क्षेत्र में रहता है, वो 2017 से जो है उसके साथ जो है दुष्कर्म करता आ रहा है, और उसका कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना करके और उसको वायरल करने की धमकी दे करके और उसको उसके साथ जो है लगातार ऐसा दुष्कर्म करते आ रहा है। तो पीड़िता के जो है सूचना पर हमने FIR दर्ज किया था और उसमें आरोपी को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? आरोपी का नाम है ललन मिश्रा करके है। ये सुरसा कला जो रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत आता है, वहाँ का रहने वाला है। किस तरह का मामला दर्ज हुआ है? इसके ऊपर धारा 376 और 506 और पॉक्सो एक्ट का धारा के अंतर्गत कार्रवाई हुई। आरोपी को जेल भेज दिया गया।